मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार प्रदेश भर की विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों पर अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। विधायकों को विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। विधायक जो प्राथमिकताएं और विजन तय करेंगे उसी हिसाब से सरकार ये पैसा खर्च करेगी। कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी विधायकों से ही उनके क्षेत्र के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बोला गया है। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक नितेंद्र राठौर का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर पक्षपात करने और भेदभाव करने जैसे आरोप लगाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों से भेदभाव करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, सभी चुनकर जनता से ही आते हैं और सरकार चूंकि भाजपा की और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, उनको हम ये केवल एक दल से नहीं देख सकते, पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। तो मैं तो आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि यदि ऐसा भेदभाव हो रहा है और भाजपा के विधायकों से प्रस्ताव 100-100 करोड़ के मांगे जा रहे हैं तो कांग्रेस के विधायकों को भी अछूता ना करें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। सरकार में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर केवल राजनीति कर रही है। आधारभूत और बुनियादी विकास के साथ ही समय सीमा में योजना बनाकर विकास किया जाएगा। का एक सकारात्मक सोच है, यदि हमें विकास की बात करनी है तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरा मास्टर प्लान बनाना चाहिए, विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए और अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों विकास को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में विकास हो, समेकित विकास हो और ऐसा विकास हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं उसमें निश्चित रूप से हमें पूरी तरह प्लानिंग करनी चाहिए और इसलिए हर विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट बने और उसके माध्यम से विकास हो, ये हमारी सोच है। मध्य प्रदेश की राजनीति में विजन डॉक्यूमेंट को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है तो बीजेपी का फोकस केवल विकास पर नजर आ रहा है। खैर, सियासी खींचतान में जनता को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।